नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली नर्सिंग जिले से, जहां पर जिले में टोटल लॉकडाउन के साथ साथ मोहल्लाबंदी और गाड़ी बंदी के आदेश जारी। कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नरसिंहपुर जिले में आज टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। टोटल लॉकडाउन के साथ साथ मोहल्लाबंदी और गाड़ी बंदी भी लागू की गई है, जिसमें गाड़ी बंदी के तहत कार, जीप, मोटरसाइकिल चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति वाहन को चलाए जाने पर वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मोहल्लाबंदी में आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर से, मतलब किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से आया है, तो उसे 14 दिन अलग कमरे में रखा जाए और उस अन्य परिवार के सदस्य उसके करीब न जाएं, उसको खाना अलग से दें, उसको स्पर्श न करें। आज के इस आदेश के बाद ग्राम बगासपुर में इस स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर दीपक सक्सेना, SP गुरकर्ण सिंह एवं जिले के तमाम आला अधिकारी इस पूरी टीम के साथ चाक चौकन व्यवस्था का जायजा ले रहे। गाड़ीबंदी के तहत अब मोटरसाइकिल, कार और जीप चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति उक्त वाहन चलाए जाने पर वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आज्ञा से कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर। इसके अलावा यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर से, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से आया है, तो उसको 14 दिन अलग रूम में रखें। परिवार के अन्य सदस्य उसके करीब ना जाएं। खाने पीने का जो भी सामग्री है उसको रूम में दे दें। यदि उसमें इन 14 दिनों के दौरान खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई देते हों, तो तत्काल कंट्रोल रूम या स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें। इस बीमारी से यदि बचना है तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने घर में रहें। 14 अप्रैल तक का टोटल लॉकडाउन पीरियड निर्धारित किया गया है। इस दौरान आप अपने घर में रहें और एक दूसरे से यदि मिलना आवश्यक है तो लगभग 2 मीटर की दूरी रखें और मुंह में मास्क बांध लें। यदि मास्क नहीं है तो गमछा है उसको भी बांध सकते हैं। यदि आपको घर से बाहर निकलना जरूरी ही है तो जब भी अंदर प्रवेश करें तो आप अपने हाथ और पैर साबुन से अच्छी तरह से धोकर ही प्रवेश करें। और यदि कहीं दूर की यात्रा करके आए हैं तो हाथ, ना सिर्फ हाथ पैर बल्कि जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनको अच्छी तरह से धोएं, हाथ पैर धोएं, साबुन से धोएं, तभी आपके साथ जो बाई चांस वायरस है तभी वो उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। फिलहाल अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं है और बहुत ही घातक बीमारी है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इससे परेशान है और टोटल लॉकडाउन है, माने सारे ट्रेनें बंद हैं, गाड़ियां बंद हैं, बसें बंद हैं और उसी कड़ी में आपकी जितने भी मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, जीपें हैं, इनको भी बंद किया गया है। और यदि आज के बाद दिखाई देंगे तो न सिर्फ उनको जब्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये बहुत कड़ा निर्देश है, इसका आपको पालन करना है। यदि ये पालन नहीं करोगे तो ये बिल्कुल वार्निंग है आपको, इसका हर हालत में हम पालन करवाएंगे और यदि नहीं मानोगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद।